बच्चों चलो आज हम ना कुछ इसके चैप्टर के न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो देखते हैं। सबसे पहला न्यूमेरिकल्स हमारे पास जो है वो है, ए पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड अप विद इनिशियल स्पीड यू इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, फ्रॉम द टॉप ऑफ ए बिल्डिंग एट टी इज इक्वल टू 0 सेकेंड। ओके, एट टी इज इक्वल टू 5 सेकेंड द पार्टिकल स्ट्राइक्स द ग्राउंड, फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग। ओके, तो देखते हैं सिचुएशन कैसी है। ये मान लेते हैं हमारे पास ये एक बिल्डिंग है कोई, ठीक है, और यहाँ से ये एक ऑब्जेक्ट थ्रो किया गया इधर, तो ये यहाँ से घूम के ऐसे गिरेगा नीचे। ठीक है, मान लेते हैं ये हाइट कितनी है, h है, ये यहाँ से ऊपर की तरफ फेंका गया है u इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड से। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस में क्या करना है हमें, सबसे पहले हम डायरेक्शन डिसाइड करेंगे। ठीक है, कि हम फिक्स ही कर लेते हैं हर एक क्वेश्चन न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में कि अपवर्ड डायरेक्शन पॉजिटिव होगी और डाउनवर्ड जो भी होगा उसको नेगेटिव लेंगे। जो कुछ भी अपर की तरफ जाएगा, तो हमेशा जो ऊपर की तरफ होगा उसको पॉजिटिव और नीचे होगा उसको हम क्या लेंगे, नेगेटिव लेंगे। ठीक है, तो देखते हैं इसमें ये जो मोशन है ना, किस तरह के मोशन है, मोशन अंडर ग्रेविटी बोलेंगे इसको, मोशन अंडर ग्रेविटी। ठीक है, मींस एक बार इस ऑब्जेक्ट को थ्रो कर दिया हमने, तो उसके बाद अंडर ग्रेविटी इसकी मोशन रहेगी कि वो कितना ऊपर जाएगा आएगा। तो ये यहाँ तक मैक्सिमम जाता है, तो यहाँ से यहाँ तक का, चलो हम इक्वेशन सीधा लगा देंगे, सेकंड इक्वेशन देखिए, ये यहाँ से इसकी इनिशियल वेलोसिटी है वो यू है, तो ऊपर की तरफ हमने क्या लेना है, पॉजिटिव है ना, तो हमारा जो 10 मीटर पर सेकेंड होगा इधर ऊपर की तरफ ही है ना, तो +10 मीटर पर सेकेंड वेक्टर एक तरह से। एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी उसको हम किससे लिखते हैं, यहाँ पे जी से लिखेंगे, वो क्या होगा, एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमेशा नीचे की तरफ होता है, -10, तो नीचे वाला क्या रहेगा, नेगेटिव रहेगा। ठीक है भाई, अगर ये मोशन अंडर ग्रेविटी है तो उसमें एक्सेलेरेशन क्या होता है, एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के बराबर होता है, वो हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड रहता है, मीन्स नीचे की तरफ रहेगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे जब इसको यहाँ से फेंका गया तो ये यहाँ कितनी देर में आके गिरा है, 5 सेकेंड में। ठीक है, तो सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन हमारे पास क्या होती है, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन उसके अकॉर्डिंग क्या होता है हमारे पास, देखिए एस इज इक्वल टू, मतलब यहाँ पे आएगा एच इज इक्वल टू UT+ हाफ, अगर मैं एच ले रहा हूँ तो यहाँ पे जी लिख दूंगा, GT² या फिर एस इज इक्वल टू UT+ हाफ AT² ये तो होती है इक्वेशन हमारे पास। ठीक है, तो इसको यूज़ करते हैं, तो देखिए एच क्या है, एच तो ये वेक्टर फॉर्म होती है, मैंने आपको पहले भी बताया है ये सब वेक्टर हैं, तो फाइनली ये यहाँ से यहाँ है, इनिशियली यहाँ पे था इस जगह पे, फाइनल यहाँ पे है, तो कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, एच हुआ ना, तो एच। यू कितना है, 10 प्लस या माइनस, यू ऊपर की तरफ था तो 10 प्लस, टाइम कितना 5, UT+ हाफ, ए क्या, ए है जी, मतलब जी कितना, -10 है, फिर T² मतलब 25, 5 का स्क्वायर करेंगे तो। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 50 माइनस ये 2 से कितना हो गया, 5,
25 का 25 को अगर हमने 25 सॉरी 25 को अगर 5 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आएगा 125। ठीक है ओके, तो यहाँ हमारे पास क्या आ गया, -75 मीटर आ गया। और अगर हम इसको देखें तो h तो ये था ना हमारे पास यहाँ से लेके यहाँ तक, ये तो -75 मीटर का मतलब है कि ये सिर्फ ये इनिशियली यहाँ था, यहाँ से अब यहाँ है ये, तो ये नीचे की तरफ आया है ना। ओवरऑल ये कहाँ क्या क्या मोशन हुई है उसकी, नीचे की तरफ इसका मूवमेंट हुआ है। अगर नीचे की तरफ मूवमेंट है तो नीचे वाला मूवमेंट क्या ले रखा हमने, देखो नेगेटिव, इसीलिए माइनस आया। तो -75 क्या है इसका, डिस्प्लेसमेंट है। तो इस तरफ सेकंड इक्वेशन लगाई हमने और कुछ ज़्यादा सोचना ही नहीं है, हमें पता है कि ये हमें क्या बताता है, वेक्टर फॉर्म होती है, डिस्प्लेसमेंट ही देता है हमें। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब ज़रा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, स्टेटमेंट मैं आपको बोल रहा हूँ, देखिए वो क्या है, द पोजिशन ऑफ ए पार्टिकल मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस, द पोजिशन ऑफ ए पार्टिकल मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस इज रिलेटेड टू टाइम टी एज फॉलो। जो पोजिशन एक्स है वो टाइम के साथ चेंज होती है, इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग 2t² -t³, वेयर एक्स इज इन मीटर एंड टी इज इन सेकेंड। एक्स किस में है, मीटर में, और टी किस में है, सेकेंड में। कहने का मतलब है कि आपको एक पोजीशन का ये डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन दिया हुआ है कि टाइम के साथ इस तरह से वैरी करती है किसी भी पार्टिकल की पोजीशन। ये इसमें हमें अलग अलग कैलकुलेशंस करनी, क्या क्या पूछता है, पहले पार्ट में पूछता है व्हाट इज़ द मैक्सिमम पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल अलोंग द एक्स एक्सिस एंड एट व्हाट इंस्टेंट डज इट अटेन इट। ठीक है क्वेश्चन समझ में आया, क्या पूछा इसने, एट व्हाट इज़ द मैक्सिमम पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट। सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि जो इसकी मैक्सिमम पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट है वो क्या होगी। ठीक है तो हम डिस्प्लेसमेंट निकाल लें पहले वाले इसमें केस में, तो यहाँ से अगर ये एक्स लेते हैं तो वी क्या होता है भाई, पहले तो हम इसको देखें, dx/dt होता है ना। तो हम क्या करेंगे इसको, d/dt ऑफ एक्स, एक्स की वैल्यू है 2t² -t³। ठीक है यहाँ से हमारे पास वी क्या आएगा, देखो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे टाइम के रिस्पेक्ट में तो 4t आएगा, 2 आगे आ जाएगा, -3t², और अगर हमें इसका एक्सेलेशन बनाना है तो एक्सेलेशन होगा dv/dt, होता है ना। इसका मतलब है कि d/dt ऑफ v, v क्या है, 4t -3t². ठीक है तो a इज इक्वल टू क्या हो गया हमारे पास, 4 -60, ये क्या आ गया इसमें, एक्सलेशन आ गया है। ओके चलिए पहला क्वेश्चन क्या था कि हमारे पास हमें मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट चाहिए। ठीक है तो देखो डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन हमारे पास ये है, तो हमने डिस्प्लेसमेंट का हमें क्या करना है, डेरिवेटिव करना है। देखो 4 मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट dx/dt इक्वल टू 0। dx/dt इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0। इस अगर ये ऐसा है तो x क्या होगा, मैक्सिमम हो जाएगा, या मिनिमम भी हो सकता है, बट मैक्सिमम की कंडीशन बताएं क्या होती है। मैक्सिमम तब होगा इफ d2x/dt² इज नेगेटिव। अगर डबल डेरिवेटिव इसका नेगेटिव आ जाता है, मींस लेस देन 0 आता है,
तो ये एक्स मैक्सिमम है, हमने अच्छे से मैक्सिमम मिनिमम पढ़ रखा है। अगर ये एक्स पॉजिटिव आ जाता है, ये डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव आ जाता है मींस ग्रेटर देन ज़ीरो, तो एक्स क्या होएगा इस सिचुएशन में मिनिमम। फिर से सुनिए, मैं dx बाई dt निकालता हूँ और उसको ज़ीरो के इक्वल पुट कर देता हूँ। अगर dx बाई dt ज़ीरो है, इसका मतलब एक्स क्या है, मैक्सिमम या मिनिमम, दो चीज़ें हो सकती हैं। मैक्सिमम कब होता है? मैक्सिमम तब होगा इस केस में एक्स, अगर इसका एक बार और डेरिवेटिव करे वो नेगेटिव आ जाए। तो देख लेते हैं हम इसमें क्या आएगा। तो dx बाई dt क्या था हमारे पास, ये रहा, ये dx बाई dt तो है, तो dx बाई dt वो हमारे पास क्या आएगा भाई, वो है 4t-3t2। तो इसको ज़ीरो के इक्वल पुट कर देंगे तो ये आ जाएगा 4t-3t2 = 0। ठीक है, यहाँ से t को कॉमन ले लें, 4-3t = 0, या तो t 0 हो या 4-3t 0 हो, बट t 0 t = 0 या फिर t = क्या आएगा, 4-3t = 0 मीन्स t = आ जाएगा हमारे पास 4/3 सेकेंड। दो वैल्यू आ गई है ना, समझ गए, या तो t = 0 पे या फिर t = 4/3 सेकेंड पे हमारे पास क्या हो सकता है, इसमें मैक्सिमम हो सकता है। ठीक है, देखते हैं, तो डबल डेरिवेटिव करके देखते हैं इसका। d2x/dt2, तो ये डबल डेरिवेटिव यही तो है। देखो ये यहाँ पे जो मैंने लिखा हुआ है ना, ये वाला, इसको मैं d2x/dt2 भी लिख सकता हूँ, एक ही बात है, चाहे एक बार डेरिवेटिव वेलोसिटी का या डबल डेरिवेटिव उसका। तो एक्चुअली ये हमारे पास जो dv/dt है ना, 4-6t, ये ही d2x/dt है, dt2 है, 4-6t। ठीक है, अब जरा देखें कि इसको अगर हम इसमें t की वैल्यू 0 पुट करते हैं इसमें, तो d2x/dt2 क्या आएगा, वो आएगा 4, मतलब प्लस आया है। अगर मैं इसमें t की जगह पुट करता हूँ ये वाला 4/3 सेकेंड इसमें, ठीक है, 4/3 सेकेंड पुट करता हूँ, तो भाई टी की दो वैल्यू आई ना हमारे पास। इसमें देखा तो टी 0 पे या तो मैक्सिमम होगा या फिर टी 4/3 पे मैक्सिमम होगी, ये डिस्प्लेसमेंट कौन से पे होगा। तो मैंने एक बार टी को 0 पुट किया तो डबल डेरिवेटिव 4 आ गया प्लस। लेकिन डबल डेरिवेटिव प्लस आने पे मिनिमम होता है, मैक्सिमम नहीं होता। ठीक है, तो फिर हमने दूसरे वाली सिचुएशन में देखेंगे, तो इसमें d2x/dt2 क्या आएगा इस वाले केस में, अगर t = 4/3 पुट करेंगे तो ये हमारे पास जो सॉल्व होके आएगा उसकी वैल्यू बन जाएगी, देखो 4-6 × 4/3, 3 × 2 = 6, 4-8 मतलब क्या आ गया, -4 आ गया है ना, इसका मतलब ये क्या आ गया, नेगेटिव आ गया। तो जो जिसमें डबल डेरिवेटिव नेगेटिव आता है उतने ही टाइम पे ये क्या होगा, मैक्सिमम होगा। तो इसका मतलब हमारे पास एक्स जो है वो एक्स इज मैक्सिमम एट t = 4/3 सेकेंड, और वो कितना होगा, वो हमारे पास सॉरी वो इसमें पुट कर देंगे हम, एक्स की इक्वेशन ये रही, देखो ये रहा फर्स्ट इक्वेशन एक्स की, तो है इसमें आप टाइम क्या करोगे, 4/3 पुट करो और आपका आंसर आ जाएगा इसके अंदर। भाई हमने क्या कैलकुलेट कर लिया, हमने निकाला कि t = 4/3 पे मैक्सिमम होगा, तो t की जगह 4/3 पुट कर दो इसमें, तो x = 2 × 4/3² - 4/3³। और ये सॉल्व होके जो हमारे पास आएगा तो 32/27 मीटर आएगा, 32/27 मीटर आएगा। मैंने थोड़ा रफ सा लिख दिया यहाँ पे, आप इसको सॉल्व कर लेंगे, सॉल्व ही हो करना है और उससे ज़्यादा कुछ नहीं करना है। ठीक है,
तो इस तरह की प्रॉब्लम को हम इस तरह डिफरेंशिएशन का यूज़ करके सॉल्व कर सकते हैं। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, ए पार्टिकल इज मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन फ्रॉम ए टू बी। कुछ इस तरह से हमारे पास मान लो ये है, यहाँ से यहाँ ये ए और ये बी है, ठीक है। ए से बी तक एक पार्टिकल मूव कर रहा है अलॉन्ग स्ट्रेट लाइन, हैज़ वेलोसिटीज वी वन एंड वी टू एट ए एंड बी। यहाँ उसकी वेलोसिटी वी वन है और यहाँ वेलोसिटी कितनी है, वी टू है, ठीक है। रिस्पेक्टिवली इफ सी इज़ द मिड पॉइंट बिटवीन ए एंड बी, अगर ये इसका मिड पॉइंट है सी, देन डिटरमाइन द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एट सी। इस पे वी क्या होगा, वेलोसिटी क्या होगी, ये हमें क्या करना है, इसमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। देखते हैं कैसे करेंगे। यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन से मूव कर रहा है तो लेट ए बी द यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक ये मिड पॉइंट है, ये मान लो एक्स है, तो ये भी क्या होगा, एक्स। टोटल मान लो टू एक्स है, एक्स मानोगे तो एक्स बाई टू हो जाएगा, और अगर आप टू एक्स मानोगे तो एक्स एक्स हो जाएगा, ठीक है। तो हमने यहाँ सेकंड इक्वेशन का यूज करें, टाइम आएगा थर्ड इक्वेशन का, यूजिंग थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो वो क्या आएगा हमारे पास, मान लें यहाँ वेलोसिटी वी है, तो वो होता है हम यहाँ से यहाँ थर्ड इक्वेशन लगाएंगे, ए टू सी, ए टू सी थर्ड इक्वेशन लगाएंगे हम, ठीक है। तो इसमें फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, वी। तो वी देखो ये थर्ड इक्वेशन होती है, वी स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर इज इक्वल टू टू ए एस, तो वी फाइनल वेलोसिटी है। इनिशियल वेलोसिटी वी वन स्क्वेयर इज इक्वल टू टू ए एक्स, ठीक है, क्लियर। ओके एक्स है हमने लिया, और अब थर्ड इक्वेशन लगाएंगे हम कहाँ से कहाँ, सी टू बी, थर्ड इक्वेशन फ्रॉम सी टू बी, तो वो हो जाएगा वी। देखिए ये वी यहाँ पे वेलोसिटी है सी पे, तो ये इनिशियल होगी, ये उसकी फाइनल होगी, तो फाइनल वी स्क्वायर, वी टू स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर इज इक्वल टू टू ए एक्स, डिस्टेंस ए भी एक्स है, फाइनल वेलोसिटी वी टू, इनिशियली हमने क्या लिए वी, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर लेते हैं। देखिए हमने क्या निकालना है, वी निकालना है, क्लियर। तो इसके लिए हम ये भी 2ax है, ये भी 2ax है ना, दोनों को बराबर पुट कर दें, तो देखिए ये बन जाएगा हमारे पास v2 स्क्वायर माइनस v स्क्वायर इज इक्वल टू 2x की जगह v स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर। ये वाला भी 2ax है, ये वाला भी 2ax, तो हम इस 2x की जगह ये वाली v माइनस v1 स्क्वायर लिख दिया हमने। तो ये देखिए वी स्क्वायर इधर चला जाएगा, वी वन स्क्वायर इधर आ जाएगा, तो एक्चुअली हमारे पास हो जाएगा वी टू स्क्वायर प्लस वी वन स्क्वायर इज इक्वल टू वी स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से ये हो जाएगा टू वी स्क्वायर इज इक्वल टू वी टू स्क्वायर प्लस वी वन स्क्वायर, और वी स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा वी टू स्क्वायर प्लस वी वन स्क्वायर बाई टू, और v क्या हो जाएगा अंडर द रूट वी टू स्क्वायर प्लस वी वन स्क्वायर बाई टू। तो इस तरह से हम क्या निकाल सकते हैं, ये जो मिड पॉइंट की वेलोसिटी है वो हमने निकाल ली। कुछ रटना नहीं है इसमें कि हम इसको रट के चलेगी, ये इक्वेशन लगेगी इससे, वो हमें खुद समझना है कि इस हालात में हम कौन सी इक्वेशन का यूज करके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है।
चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहते हैं, कंसिडर ए पार्टिकल इनिशियली मूविंग विद ए वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड। मतलब इनिशियल वेलोसिटी क्या है उसकी, 5 मीटर पर सेकेंड है, ठीक है। और स्टार्ट्स डिक्लेरेटिंग एट ए कॉन्स्टेंट रेट ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मतलब एक्सेलेशन है वो क्या है, -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। डिक्लेरेटिंग का मतलब रिटार्डेशन, वहाँ पे उसकी स्पीड वेलोसिटी कम होने लगी है। पहला पार्ट इसमें पूछा है, डिटरमाइन द टाइम एट विच द पार्टिकल बिकम्स स्टेशनरी, किस टाइम पे वो रुक जाएगा। ओके, पहले पार्ट में हम निकालने हैं तो v इज इक्वल टू क्या होता है, u प्लस ए टी। फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी जब वो रुकेगा। इनिशियल वेलोसिटी 5 है, प्लस a कितना है, -2 है, इंटू टी, तो 5 इज इक्वल टू हो गया 2t। टी इज इक्वल टू आ गया हमारे पास 2.5 सेकेंड। मीन्स 2.5 सेकेंड के बाद वो ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, स्टेशनरी हो जाएगा, रुक जाएगा। क्या लॉजिक हमने लगाया, लॉजिक ये लगाया कि जो वेलोसिटी है उसकी फाइनल वो 0 हो जाएगी जब वो रुकेगा, ठीक है। सेकेंड पार्ट में क्या पूछता है, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन द सेकेंड सेकेंड, सेकेंड सेकेंड मतलब दूसरी सेकेंड के अंदर। तो एस इज एस एन एथ वो होता है यू प्लस ए बाई टू इंटू टू एन माइनस वन, ठीक है। तो सेकेंड सेकेंड में मतलब एस सेकेंड, यू क्या है हमारे पास 5, ए क्या है हमारे पास -2 बाई 2, एन की वैल्यू क्या है 2, जो किस सेकंड में पूछ रहा है, एन एथ सेकंड में, तो एन की वैल्यू 2 -1, तो ये आ जाएगा हमारे पास 5 -2 से 2 कैंसिल आउट, 2 2 4, 4 -1 कितना हो गया 3, ठीक है। तो 5 -3 ये गया 2 मीटर, तो सेकंड सेकंड में वो कितना चलेगा, 2 मीटर चलेगा। ये है फोर्थ इक्वेशन के यूज से, कौन से सेकंड में पर्टिकुलर वो कितना चला है, मतलब डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकंड। तो इसने दूसरे सेकंड में पूछा था, हमने दूसरे सेकंड में निकाल दिया।